जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में आप जय श्री महाकाल लिखें। बड़े बदलाव के लिए क्या आप तैयार हैं, ये विषय है आज की बात के लिए। एक बड़ा बदलाव जीवन में हो सकता है अगर कोशिशें हम करें तो। हम जिन हालातों से लड़ रहे हैं, देखिए बहुत से लोगों के हालात अच्छे होंगे लेकिन ज़्यादातर लोगों के जो हालात हैं वो ठीक या सामान्य जद्दोजहद में वो लगते हैं कि उन्हें हालातों को सही करने की एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई को हर व्यक्ति लड़ रहा है, चाहे वो अच्छे हालातों में हो तो बहुत अच्छे हालातों तक पहुँचना चाहता है या ख़राब हो तो उन्हें एक सामान्य हालातों तक पहुँचाना चाहता है। इस लड़ाई में कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगी, कुछ चीज़ें आपको बातें याद रखना होगी। अगर आप इन्हें याद रखते हैं तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो सकती है। पहली और मुख्य बात है विश्वास। हम जब भी किसी चीज़ पर, किसी भी विषय पर या कोई भी परेशानी से हम ज़्यादा दिक्कत में हैं तो हमें ईश्वर पर जो विश्वास है वो उसे हम साइड कर देते हैं और अन्य चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता है। ईश्वर पर पूर्ण यकीन रखने से आपका मन, मस्तिष्क सब कुछ सकारात्मक होगा। पॉजिटिव मस्तिष्क, पॉजिटिव दिमाग और पॉजिटिव वातावरण सभी चीज़ों को, जो भी हालात, उन्हें भी सकारात्मक करता है। आपको हल सूझेगा, समस्या का समाधान सूझेगा और कई बार तो जो परेशानी बहुत असंभव सी लग रही थी उसका उपाय एकदम सामान्य सा, जो आप जिसे देख नहीं पा रहे। इसलिए पहली जो बात है इस पर आपको फोकस करना है। दूसरी बात होती है, वो होता है कि हम इन सभी चीज़ों में बीच का रास्ता या यूं कहें कि सुलह का रास्ता, जिसे हम हमेशा भूल जाते हैं। चीज़ें गुस्से में, चीज़ें किसी चीज़ को सोचने में, समझने में बहुत बड़ी दिखाई देती है लेकिन अगर उसे ठंडे दिमाग से सोचा जाए, क्योंकि हम यहाँ कुछ लेकर नहीं आए हैं और ना लेकर जाएंगे, तो ये चीज़ दिमाग में रखें और सुलह और सहजता का रास्ता रखें ताकि इन चीज़ों से आप बाहर आ पाए। कोशिश इसी चीज़ की करें, पहल इसी चीज़ की करें। हमारा काम है कोशिश करना और अगर नहीं हो पाता है तो हम उसका, जो भी चीज़ें जिन हालातों से हम लड़ रहे हैं उन्हें हम कंटिन्यू लड़ते रहें। लेकिन इस तरह का, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सामान्य सी बात से, सुलह से ही समाप्त हो, से भी समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, बड़ा बदलाव के लिए इन दो चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके साथ जीवन में नेगेटिविटी नहीं होगी, आप और आपके जीवन में हमेशा खुशी रहेगी। आप ईश्वर का स्मरण करते रहें। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।